हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत एक सिग्निफिकेंट टॉपिक जो कि मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ये सेल फोरकास्टिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी है, इसको हम करेंगे। और उसी तरह स्टूडेंट के फैसिलिटी के लिए हम लोगों ने एक ब्लॉग स्पॉट जो है स्टार्ट किया है, जिसके 10-15 दिन के अंदर जो है आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर मटेरियल जो है वहाँ से मिलने लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिमांड फोरकास्टिंग का अर्थ क्या होता है, पर्पज़ क्या है, स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। देखो, सबसे पहले जो डिमांड फोरकास्टिंग है, चाहे देखो हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसकी सर्वाइवल के लिए भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग जो है हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। इवन अगर हमने कोई नया यूनिट लगाना है तो उसके लिए भी डिमांड फोरकास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और डिमांड फोरकास्टिंग जो है इसके अंदर हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर हमें पता चले कि हमारी इतनी डिमांड जो है डिमांड होएगी, क्योंकि उस डिमांड के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन की अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्रोडक्शन की पॉलिसी हमने बनानी है, मैन पावर की पॉलिसी हमने, कितनी मैन पावर चाहिए, कितना फिनांस चाहिए, वो सारा डिमांड फोरकास्टिंग से ही हम देखते हैं। इवान जे डगलस जो है डिमांड फोरकास्टिंग को डिफाइन करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग विल बी टेकन टू मीन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू फॉर डिमांड इन द फ्यूचर टाइम पीरियड, कि व्हाट इज़ द वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द डिमांड इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर डिमांड कितनी हो सकती है। क्योंकि देखो, जो फ्यूचर है अनसर्टेन है, फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बदल जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है, कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, वो चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, कॉम्पिटिटर जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन सारी चेंजेस के अंदर हम असेस करते हैं कि हमारी डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो सकती है। अब देखो, एक पैसिव फोरकास्ट होता है, एक एक्टिव फोरकास्ट होता है। देखो, पैसिव के अंदर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि फ्यूचर के अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, तो जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं कि जो जैसा है उसी ट्रेंड को देखते हुए वो फ्यूचर के अंदर अपनी डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, जो कि सही नहीं है। एक्टिव फोरकास्ट के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं, ये अजम्पशन लेते हैं कि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, फ्यूचर के अंदर नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, इवन डिग्री ऑफ कंपटीशन बढ़ सकता है, फैशन नहीं रह सकता, या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। उन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए कि फ्यूचर के अंदर चेंजेस आएंगे, तो हम डिमांड फोरकास्टिंग की जो है एक्टिवली जो है प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। देखो, अब हम देखते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग का उद्देश्य क्या है, और ये जो उद्देश्य है ये पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। देखो, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी हमने जो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमने कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है, क्योंकि उसके अंदर हमें होता है कि देखो, डिमांड फोरकास्टिंग से हमें असेसमेंट होती है कि कंज्यूमर की ये रिक्वायरमेंट है, इतने यूनिट चाहिए, तो हम उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। ना तो ओवर प्रोडक्शन होती है, ना अंडर प्रोडक्शन होती है, हमारी ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेंट्री के अंदर। क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, तो उनको हमें पहले मंगवा के रखना पड़ता है। तो कितना हमने इन्वेस्ट, कितना इन्वेंट्री जो हमने अपने पास रखनी है, तो ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही अंडर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ओवर इन्वेस्टमेंट है तो हमारा पैसा जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, और अगर अंडर इन्वेस्टमेंट है तो हमारी प्रोडक्शन स्मूथली नहीं चलेगी। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखना होता है कि हमने जो है कितनी सेल हमने जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर अचीव करनी है, क्या सूटेबल सेल स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट करनी है, और हमें यहाँ पे कितनी कैश की जो है ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने सेल स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट करनी है, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स का भी ऑर्डर देना है, उसको स्टोर में भी रखना है, हमें मैन पावर की भी ज़रूरत है। तो सारी चीज़ों की हम जो कितना कैश चाहिए उसकी असेसमेंट करते हैं। और उसी तरह देखो, जो लॉन्ग रन है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर तो इट्स वेरी इजी टू फोरकास्ट, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। लॉन्ग टर्म के अंदर तो क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, और ये चेंजेस जो होती हैं इनको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना जो होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
तो यहाँ पे हम जो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग है, देखो कई बार हमने नया प्रोजेक्ट लगाना होता है या पुराना प्रोजेक्ट है उसकी एक्सपेंशन करनी होती है, मॉडर्नाइजेशन करनी है या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे न्यू है, उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमने डिसीज़न लेना होता है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे एक्सपेंशन करनी है या डाइवर्सिफिकेशन करना है या नया प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए हाउ मच कैश वी रिक्वायर। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नई चीज़ें हमने बनानी है या जो न्यू टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें टोटल मैन पावर किस तरह की चाहिए होगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी जो है हमने अडॉप्ट करनी है ताकि हम लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको हम चेंज कर सकें। नेचुरली क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो लोगों के अंदर जो है अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, तो लोगों के अंदर जो है कुछ चीज़ों के, जैसे पहले जो था रेडी टू ईट की इतनी ज़्यादा वैल्यू मतलब नहीं थी, क्योंकि आजकल क्या है कि लेडीज़ भी काम बहुत कर रही हैं तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड और ज़्यादा डिवेल्प हो रही है, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें जो है असेस करते हैं कि क्या चेंजेज़ आ रही है, जिसके बेसिस पे क्या है कि हमने अपनी एक सूटेबल सेल्स स्ट्रैटेजी जो है बनानी है ताकि उसको हम कैप्चर कर सकें। अब देखो स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स के अंदर क्या है कि हमने डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होने चाहिए कि जो है शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, पर्पस क्या है। नेचुरली शॉर्ट टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिमांड फोरकास्टिंग शॉर्ट पीरियड के लिए तो पर्पस डिफरेंट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो पर्पस डिफरेंट होगा। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन उसी फील्ड में चल पड़ती है। उसी तरह हमने सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, प्रोड्यूसर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स के अंदर ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, तो नेचुरली हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी गुड्स की टाइप क्या है, तो हमने डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह की गुड्स के लिए करनी है। और उसी तरह ही हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव के भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर भी बहुत सारी, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करके जो है डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। और उसी तरह ही जो हमारे पास डाटा आ जाता है, जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं, उन डाटे से जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या संबंध है, किस तरह से हमने कंक्लूजन निकालना है, क्योंकि देखो जिन अजम्पशंस के अंदर हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं अगर वो अजम्पशंस ही चेंज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड फोरकास्टिंग को भी वो इफ़ेक्ट करेगी। तो हमने बहुत ही सोच समझ के जो है कंक्लूजन जो है उनसे निकालने होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी डिटर्म कि डिमांड फोरकास्टिंग का स्कोप, कि डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है कवर करनी है। देखो अगर क्योंकि ये पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्ट पीरियड है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। देखो शॉर्ट पीरियड के अंदर तो क्या होता है कि जो पैटर्न ऑफ डिमांड है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस क्या आ रही हैं, कई बार क्या होता है कि वेदर कंडीशंस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, फैशन चेंज हो जाता है, और इन फैक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट भी समझते हैं और इनका कंबाइंड इम्पैक्ट भी देखते हैं। तो नेचुरली हमें ये देखना पड़ता है कि अगर इतनी डिमांड है तो उसके बेसिस पे हमें रॉ मटेरियल, मैन पावर और अदर चीज़ें कितनी रिक्वायर्ड हैं। और उसी तरह ही देखो जो मीडियम टर्म है वहाँ पे हम ट्रेंड को देखते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल इकोनॉमी जैसे आजकल क्या है कि पहले एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी तो अब सर्विस का शेयर ज़्यादा हो रहा है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ रही हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस क्या आ रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो होती है कंज्यूमर ड्यूरेबल के साथ रिलेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखना होता है कि ड्यूरेबल के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह की हमने प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है बनानी है, लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेंड क्या होगा। और देखो लेवल ऑफ फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम का लेवल क्या होगा, एक्सपेंडिचर का लेवल क्या होगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के अंदर बूम है, डूम है, किस तरह की इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको हम मेयर करते हैं। इंडस्ट्री लेवल का अर्थ होता है कि जैसे मान लो हमारी टेक्सटाइल फर्म है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो टेक्सटाइल के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वहाँ पे हम इंडस्ट्री लेवल के अंदर स्टडी करते हैं। फिर उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग हमारी प्रोडक्ट लाइन्स हैं, तो उन प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप करना है जिनकी वायबिलिटी नहीं होगी।
उसी तरह हम देखते हैं शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, फिर उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या ये कंज्यूमर गुड्स है, क्या ये प्रोड्यूसर गुड्स है, क्या ये बेसिकली कंज्यूमर गुड्स के अंदर ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, तो कौन सी चीज़ों के ऊपर ये इफ़ेक्ट, कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। और उसी तरह क्या है मिसलेनियस फैक्टर्स के अंदर, देखो जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कंपटीशन है, रिस्क कितना है, और जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिमांड फोरकास्टिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो देखो जैसे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, जो डिमांड है उनको कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर भी डील कर सकती है, ड्यूरेबल के अंदर भी डील कर सकती है, कैपिटल गुड्स के अंदर भी डील कर सकती है, तो जो फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं। अगर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं तो देखो वो डिपेंड करती है वाई जो कि डिस्पोजेबल इनकम है, एस जो कि पॉपुलेशन है, और पी जो है उसकी प्राइस है। अब देखो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम होती है, जैसे मान लो मेरी सैलरी 80,000 है, बट मेरी टैक्सेशन भी कटता है, मेरी कुछ जीपीएफ के अंदर भी कटते हैं, तो मिल मिला के मुझे अगर मान लो 60,000 मिलता है, तो वो 60,000 जो है मेरी डिस्पोजेबल इनकम है जिसको कि मैं स्पेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि अगर बाकी सब कुछ सेम रहे तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाता है तो हमारी डिमांड भी जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि हम, और उसी तरह प्राइस के अंदर भी अगर दूसरी चीज़ों की प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आती तो प्राइस जो कमोडिटी है वो अपनी प्राइस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है, ज़्यादा प्राइस है तो कम डिमांड होगी और अगर कम प्राइस है तो ज़्यादा डिमांड होगी। और उसी तरह अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जो है ये फैक्टर्स होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल के अंदर जो उनकी कंजम्पशन होती है वो बार बार होती है क्योंकि रेगुलरली हम उनको परचेज़ करते हैं। और उसी तरह जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, देखो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, पैसा हम एक बार यूज़ करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक के लिए होता है। जैसे घर के अंदर हमने एक फ्रिज ले लिया तो वो 10-15 साल के बाद जो है रिप्लेस होता है अगर वो ख़राब हो जाता है। तो ड्यूरेबल गुड्स के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे पैसा जो है एक ही बार करते हैं क्योंकि इनको बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट जो होता है लंबे समय के लिए होता है। तो यहाँ पर नेचुरली यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स की जो कितनी जल्दी वो उसको रिप्लेस करता है, क्योंकि नेचुरली देखो जो प्रोडक्ट्स जो होता है उनकी रिपेयर जब ख़राब हो जाते हैं, एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है तो वो रिप्लेस करने की सोचते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है डिमांड फॉर कंज्यूमेबल डिपेंड जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि जैसे विलेजेस के अंदर देखो अगर वो कार वगैरह परचेज़ करते हैं या रेफ्रिजरेटर परचेज़ करते हैं या टीवी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह जो कार होती है उसके अंदर अगर वहाँ पे विलेजेस के अंदर पेट्रोल पंप है या कोई आसपास कोई ऐसा अर्बन के साथ कनेक्टिविटी है जहाँ से वो फिल करवा सकते हैं, तो ये चीज़ें भी जो होती है कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर इनका भी इम्पैक्ट होता है। और उसी तरह देखो जो डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल होती है प्राइस के ऊपर, क्रेडिट फैसिलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि एक ही बार में इतना पैसा लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो लोग जो है अगर क्रेडिट की फैसिलिटी हो तो किश्तों पर ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं हम इसके अंदर जो है उन फैक्टर्स को हम असेस करते हैं जिसके बेसिस पे हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। और उसी तरह जो तीसरी टाइप की गुड्स थी वो कैपिटल गुड्स थी। देखो कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है इनको। कैपिटल गुड्स से क्या होता है कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो यूज़ करती हैं, जिनसे वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं, और इनकी जो डिमांड होती है ड्राइव डिमांड होती है, क्योंकि जब दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली इनको बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, कारखाने होती हैं, उनकी भी डिमांड जो है इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे भी हमें होता है कि जो कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर गुड्स जो है उनकी जो है उन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड की, क्योंकि नेचुरली जो अगर जैसे मान लो ब्रेड मेकिंग कारखाना है, अगर ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी तो ब्रेड के और कारखाने लगेंगे तो हमें और इक्विपमेंट चाहिए होएगा, तो उस इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कितने हैं। और उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन हैं वो कितने हैं। कई बार ये होता है कि नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन जो होते हैं करेक्ट पिक्चर नहीं देते, कि बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम रॉ मटेरियल चेंज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जब जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन को भी कंसिडर करते हैं लेकिन इसको वेटेज कम देते हैं।